नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी को आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले शेयर करता था, उस कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है तो इसीलिए मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पे वो फाइल शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूशन है, डाउट्स है, ये फाइल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने आज इस फाइल में क्या क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है वो आप लोग को दिखाऊंगा। पहले तो देखिए बाइसेल लेवल कम स्किनर, इसी मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ, बाइसेल लेवल कम स्किनर और ये बाइसेल लेवल थ्री। तो बाइसेल लेवल थ्री का फाइल में मैंने क्या शेयर करता हूँ वो बाद में दिखाता हूँ। तो पहले बाइसेल लेवल कम स्किनर में देखिए, पहले बाइसेल लेवल वन, ये जो ऑल बाइसेल लेवल कम स्किनर वन, इसमें जो इस पेज में है बाइसेल लेवल वन, ये है बाइसेल लेवल, तीनों बाइसेल लेवल रहता है, बाइसेल लेवल वन और ये इक्विटी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स निफ्टी बैंक निफ्टी सभी का रहता है। और इसमें बाइसेल लेवल का और इसका हिसाब से बाइसेल लेवल वन का जो लेवल्स है उस लेवल का हिसाब से लास्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सा लेवल पे है वो भी इधर से आप लोग को दिख जाएगा इस मैट्रिक्स से। उसके बाद है बाइसेल लेवल टू, बाइसेल लेवल टू उसके बाद कुछ एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये सब आप लोग देख सकता है, और वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। इधर आप लोग डाटा में जाके फिल्टर लगाएंगे तो इधर देखिए आप लोग जो जिस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी रहता है, डिलीवरी परसेंटेज कम या डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आप लोग कुछ भी चाहता है तो उस हिसाब से आप लोग डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस पॉजिटिव रखना है और चेंज इन प्राइस ओपन इंटरेस्ट उसके साथ ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव देख सकता है, चेंज इन प्राइस नेगेटिव और चेंज ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव रख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। उसके बाद कुछ लोग का प्रॉब्लम हो सकता है कि इधर मैंने हिंदी में बनाता हूँ तो एक्चुअली आप लोग मेरे को बोल देंगे तो जिस दिन का इंग्लिश का ज़रूरत है तो बोल देंगे तो मैंने इसको इंग्लिश में भी बनाऊंगा। तो इसमें देखिए इसके बाद इसमें कुछ EMA का क्रॉस ओवर रखा हूँ, 3 EMA और 10 EMA, 20 DMA, एक्चुअली डेमा मतलब डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 EMA इसका क्रॉस ओवर भी 10 23, 10 10 20 इसका क्रॉस ओवर रखा हूँ। उसके बाद ये इस क्रॉस ओवर ट्रू है या फॉल, मतलब ये जो क्रॉस ओवर अप साइड में जो बाई साइड में है तो बाई साइड में ट्रू दिखाएगा, सेल साइड में है तो सेल साइड में ट्रू दिखाएगा। उसके बाद देखिए मतलब ये इधर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप लोग को दिखना नहीं है, इधर ये जो कैलकुलेशन करके इधर प्रोबेबिलिटी को देखना है, प्रोबेबिलिटी 30 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से और 1 डेज का हिसाब से प्रोबेबिलिटी मतलब अप या डाउन का प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकता है। तो ये सब देखने का मतलब ये है कि आप लोग सोच लीजिए बाई बाई लेवल बाई सेल लेवल देख रहा है तो उसके साथ ये कौन सा साइड में है, मतलब बाई साइड में ही या सेल साइड में है, आप लोग कौन सा साइड में एंट्री लेंगे। सोच लीजिए कुछ स्टॉक्स बाई साइड में है लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है मतलब डाउन में चल रहा है या डाउन ट्रेंड है तो उस टाइम बाई में कुछ ट्रेंड मतलब कुछ स्टॉक में एंट्री लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इधर आप लोग इधर ये 5813 का ये में क्रॉस ओवर का है, इधर देखिए इधर बाई सेल लेवल 3 है, ठीक है, मैंने एक एक करके समझाऊंगा आप लोग को, माइंड में बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब तो है हम लोग देख चुका हूँ लेकिन कौन सा लेवल पे काम करना है वो मैंने बताता हूँ। पहले देख लीजिए कैसे इसके इसमें क्या क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इस ये देखिए इधर इसीमोकू क्लाउड इसका बियरिश या इधर जो बियरिश बुलिश ये इधर ट्रू दिखाएगा, ठीक है, इधर VWAP का वैल्यू भी आप लोग को आ जाएगा, VWAP का हिसाब से टीरॉन लेवल टॉप लाइन मिडिल लाइन का है ये भी आप लोग को एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इसके बाद ये सब आप लोग को नहीं देखने के भी चलेगा, ये प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी आप लोग देख सकता है, 530 का मूविंग एवरेज देख सकता है, 1226 9
ईएमए का क्रॉसओवर देख सकता है 7421 का ईएमए देख सकता है। इधर से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये गन लेवल्स है, गन एंगल्स का लेवल्स है, ठीक है। ये 12.5 से शुरू करके 360 डिग्री तक ये इसका रेजिस्टेंस 122 साइड का है और इधर सेल साइड का है ऐसे ही। उसके बाद गन स्क्वायर ऑफ 9 है, ये है गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल। और उसके बाद आप लोग को बोलूँगा, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, पहले इसको देख लीजिए, मूरे मूरे इस मैथमेटिकल लेवल्स है, ठीक है। इसके बाद आएगा 360 डिग्री, ये सब है एलटीबी का, वो लास्ट रेट प्राइस का हिसाब से कौन सा लेवल पे है वो इस इधर देखा है। आप लोग देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने से आप लोग को सुविधा हो जाएगा कि ये लास्ट रेट प्राइस के हिसाब से ये कौन सा लेवल पे है। इसके बाद है गान 360 डिग्री का एनालिसिस, गान 360 डिग्री एनालिसिस अप साइड में देखिए 45 से 360 तक है अप साइड में, और डाउन साइड में भी ये है फर्स्ट साइकिल 360 डिग्री एनालिसिस का फर्स्ट साइकिल। उसके बाद सेकंड देखिए, फर्स्ट साइकिल में देखिए एसीसी इतना कितना दिखा रहा है, इधर जो दिखा रहा है एक्चुअली इसका वैल्यू, इधर जो वैल्यू दिखाएगा फर्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल का अप साइड में इससे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, और थर्ड साइकिल का अप साइड में और भी इसका वैल्यू और भी आप दिखाएगा, डाउन साइड पर भी ऐसा है। तो कौन सा लेवल पे है वो आप लोग लास्ट रेट प्राइस देख के देखिए, एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल ये देखिए। इसके बाद ये जो फर्स्ट साइकिल में जो था इसका वैल्यू सेकंड साइकिल में इसका बढ़ गया, ऐसे करके स्टेप वाइज बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड साइकिल अब बोथ साइड में अप साइड और डाउन साइड का है, और इधर जो है ये डिफरेंस देख के किया है फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल, मतलब जो हाई और लो का डिफरेंस देख के किया है, उधर जो किया है हाई और लो का, हाई और लो पकड़ के किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये है गन डेट्स, गन डेट्स भी आप लोग देख सकते हैं, और गन इंटरडे टाइम कौन सा जो आपको कुछ भी हाई लो बना के जब उसके बाद कितना टाइम पे ये चेंज हो सकता है, मतलब नेक्स्ट हाई लो कब कितना टाइम पे आ सकता है वो आप लोग को दिखेगा इधर। और इधर इस पेज में आप लोग को जो दिखेगा इस पेज में फिबोनाची का लेवल से बना हो, ये 61.8% का लेवल से बना हो, जब सोच लिया आप कुछ कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसका जब और भी हाई जाएगा 61.8% का ऊपर जाएगा तो इसका ट्रेड एंट्री लेना है, और इसका जो वो जब रिट्रेस होकर नीचे आएगा उस लेवल पे पकड़ना है, और डाउन ट्रेड भी ऐसा और भी डाउन जाएगा तो कौन सा लेवल, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन ये कॉन्सेप्ट लगा के ये बना हुआ है। और इधर और भी बहुत कुछ है इधर, उसके बाद कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इस मैट्रिक से दिख जाएगा। इधर 530 ईएमए का क्रॉसओवर है, और देखिए मैंने हाउ टू स्क्रीन और क्या क्या है मैंने पहले भी इस आप लोग को दिखा जाता था, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सारे आदमी क्वेश्चन कर रहा है कैसे किया जा सकता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर से बनाता हूँ, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो 955 ईएमए का क्रॉसओवर है, आप लोग को इधर से देख ले गए 100 डे ईएमए 20 30 50 ये 100 इसका ईएमए का क्रॉसओवर आप लोग को इधर से दिख जाएगा। इसके बाद ये है गापी मूविंग एवरेज, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमए 5 से शुरू करके 18 तक 30 तक, और इधर अप साइड में 30 से शुरू करके 60 तक, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ एवरेज, उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, उधर एवरेज शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म का हिसाब से किया है, तो इधर एवरेज ट्रेंड से इधर एवरेज जब शॉर्ट टर्म जब एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएगा या उल्टा होगा तो इधर से ट्रेंड इधर से पता चल जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेज है ये है इनसाइड द बार पेज, इधर से आप लोग को बहुत सारा चीज़ एक साथ मिलेगा। तो ये है देखिए इधर इनसाइड द बार NR4 NR7 का ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद नैरो रेंज ब्रेकआउट आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लोस दो जी पॉजिटिव एम आर पॉजिटिव नेल बुलिश एनगल्फिंग, कुछ भी आप लोग मतलब जो लोग समझता है मॉर्निंग स्टार ग्रेप स्टोन दो जी ट्रांगुलर पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न बटरफ्लाई और डब्ल्यू पैटर्न बहुत सारा पैटर्न इधर दिखाया है, तो इधर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, इधर कल मिला था या नहीं मिला था, ये फाइल ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आएगा फिबोनाची का 7 डेज का हिसाब से 5 डेज का हिसाब से 3 डेज का हिसाब से 2 डेज का हिसाब से और 1 डेज का हिसाब से इसका
30 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से ये फिबोनाची का लेवल्स इधर प्रोवाइड किया गया है। तो इधर से आप लोग को सुविधा होगा कि आप लोग जब भी कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जब मतलब कुछ लेवल्स ब्रेक होगा या लेवल आएगा तो उधर से आप लोग को ट्रेड, जब ट्रेड लेंगे तो मूवमेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बाद फिबोनाची लेवल वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है, इधर सभी है, इधर इक्विटी स्टॉक्स लिखा है लेकिन इधर सभी है, ये कमोडिटी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है। इसके बाद इधर वोलेटिलिटी बेस्ड गान एंगल्स का कैलकुलेशन है, ये गान एंगल्स का कैलकुलेशन है। इसके बाद गान डिग्री का कैलकुलेशन होगा, इसके बाद वोलेटिलिटी बेस्ड गान डिग्री का कैलकुलेशन है, इधर आप लोग देख सकते हैं उधर। इसके बाद फिबोनाची बेस्ड, फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इलियाड वेव का है, इलियाड वेव का करेक्शन लेवल और करेक्शन लेवल भी है, और इलियाड वेव का जो आता है वो 5 वेव पर आता है और 3 करेक्शन लेवल जो आता है, और इसका इलियाड वेव का टाइम का भी है और इधर फिबोनाची का भी टाइम साइकिल दिया हुआ है, और इधर प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट और भी एक लेवल है, प्रोबेबिलिटी देख के ये लेवल्स बनाया गया है। तो ये सब आप लोग को इस फाइल से मिल जाएगा, और इस फाइल से जो है बाइस लेवल 3 का जो फाइल है, इस फाइल से आप लोग को ओनली अपडेट या डाउन ट्रेंड में जो फाइल मैंने पिछले वो वीडियो में दिखा है उस पेज में दिया, सॉरी उस फाइल से दिखा है उसका ही ये है। इसमें आप लोग को अलग से जो लोग ओनली इस फाइल में मतलब सेफ ट्रेड में मतलब कर सकते करना चाहता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट के ऊपर सेफ लेवल पे होल्डिंग रेशियो के ऊपर काम करना चाहता है तो इस फाइल यूज़ कर सकता है। तो अब आता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि इधर फाइल को कैसे मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, आप लोग कैसे इतना सारा लेवल्स है आप लोग कैसे क्या करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोग को दिखाता हूँ। सोच लीजिए आज निफ्टी का देख लेते हैं, ये जो निफ्टी इंडेक्स है निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए 8584 इसका बाई का लेवल था, और इधर सेल का एंट्री लेवल था, सेल का एंट्री लेवल था कुछ 8504 के नीचे। तो इधर चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में आप लोग देख लीजिए इधर ओपन हुआ है 8518 और उसका हाई हाई भी था 8518, उसके बाद ये नीचे गिरा है, नीचे 8518 के आप लोग 8504 के नीचे इधर 5 मिनट का चार्ट के नीचे देखिए 5 मिनट का चार्ट का कैंडल पे आप लोग 8504 के नीचे आप लोग सेल एंट्री ले सकते थे, और कितना गिरा है 8394 तक, इधर इधर तो आ गया है 8394 दिखा रहा है इधर चार्ट पे, लेकिन एक्चुअली ये लो मारा था 8358 तक। तो उसके बाद आप लोग 8533 का जो जो लेवल था, 8533 का जो लेवल था बाई का लेवल, सॉरी 8584 जो बाई का लेवल जब था, तो उसके बाद 8584 का जब ऊपर गया था तो आप लोग देख सकता है कितना ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 8678 तक गया था। तो इसमें आप लोग इस लेवल को यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये जो बाइस लेवल 2 है, बाइस लेवल का जो 2 का लेवल है, बाइस लेवल मैंने वीडियो थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसमें नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। बाइस लेवल 2 का जो लेवल है वो भी आप लोग देख सकते थे, हाँ। तो बाइस लेवल 2 का जो लेवल है, एट फाइव फोर फोर ठीक है, 8544 का इसका ऊपर बाई लेवल था और 8544 का नीचे सेल भी लेवल था। तो देखिए ऊपर जब गया था तो 8544 के पास आप लोग सेल कर सकते थे, उसके बाद फिर बाई कर सकते थे। तो इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल क्या है आप लोग को दिखा देता हूँ, बोल दूंगा, और उसके बाद आप लोग को कैसे ट्रेड करना है वो भी बोल दूंगा। उसके बाद आप लोग 22 लेवल 3 को भी यूज़ कर सकते थे, R1 R2 R3 जैसे जो लेवल्स है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते थे। इसके बाद गान का लेवल भी है, गान का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यह देखिए 8689 के ऊपर इसका बाई का लेवल था, तो इस बार बाई नहीं करना था। तो इधर सेल का लेवल था
8585 के नीचे सेल का लेवल था, उस पर आप लोग सेल ले सकते थे। तो इधर इसके बाद गन स्क्वायर ऑफ 9B86 का ऊपर था, लेकिन 8593 का नीचे सेल का लेवल था। और इधर जो 360 डिग्री का है, अब लोग देखिए इधर ये जो 360 डिग्री लेवल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो 360 एनालिसिस और जो फिबोनाची का जो लेवल्स है और गन का 360 एनालिसिस और जो लेवल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप लोग यूज़ किएगा तो आप लोग को अच्छा होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सभी लेवल देख के एक ट्रेड डिसीजन ले लीजिए, सभी लेवल्स आप लोग देखिए उसके बाद एक ट्रेड डिसीजन लीजिए। तो आप लोग को ट्रेंड देख के मतलब जो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा हुआ है और बहुत सारा लेवल्स आप लोग को सामने होगा, तो ये आप लोग सभी लेवल कॉम्पेयर जो बाई का साइड में सोच लीजिए, सभी बाई का आप लोग एंट्री ले लिया, सब एंट्री आप लोग मतलब सबका लेवल आप लोग कंपेयर कर लिया, तो मोस्ट सूटेबल जो लेवल्स आएगा तो सोच लीजिए सबसे आप लेवल या सबसे डाउन लेवल जो आएगा या टॉप लाइन या बॉटम लाइन, आप लोग उसका इंडिकेटर देख के इधर ट्रेंड को भी आप लोग को पता चल जाएगा, उसका हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो इधर से आप लोग को ट्रेंड देख के भी इधर देखिए, और इधर ये भी आप लोग देख सकता है, इधर से जो लेवल्स है फिबोनाची बेस्ड, जो फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड लेवल और गन एंगल का गन एंगल और गन डिग्री का जो वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स, इस ये तीन चार तो लेवल आप लोग कंपेयर करके मतलब तीन चार तो लेवल में कौन सा लेवल्स कौन सा आएगा, कौन सा आगे आएगा या कौन सा बाद में आएगा ऊपर आएगा, तो ये लेवल देख के आप लोग कंपेयर कर सक कंपेयर करके आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो होप आप लोग को इधर से पता चल जाएगा गया या ये कैसे काम करता है और इसको कितना इफेक्टिवली काम करता है मैंने दिखा दिया आप लोग को। और इधर देखिए इधर गन एंगल या गन मान तो इनसाइड द बार पेज से मेरा सलाह जो ये है कि इनसाइड द बार जो पेज है इसमें से आप लोग फिबोनाची का जो लेवल्स है, फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल, गन एंगल्स का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल और गन डिग्री का वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल और फिबोनाची का स्टैंडर्ड डेविएशन का जो लेवल और उधर 360 के एनालिसिस का जो लेवल है, ये चार पाँच लेवल आप लोग कंपेयर करके और बाइसेल लेवल वन और बाइसेल लेवल वन और टू को देख के आप लोग कंपेयर करके आप लोग फर्स्ट पाँच छोटो लेवल कंपेयर करके आप लोग ट्रेड का डिसीजन लेंगे। और जो लोग मतलब आप लोग मेरा पेड सर्विस ले सकता है, देखिए ऐसे ही आप लोग को पूरा फाइल मिलेगा आप लोग जब मेरा पेड सर्विस लेंगे, तो जब आप लोग को फाइल शेयर करूँगा मैंने ज़रूर आप लोग को गाइड कर दूँगा कौन सा लेवल पर एंट्री लेना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग को समझ में आ जाए आ गया है, तो तब तक के लिए मैंने अभी बाद में मैंने फिर और भी वीडियो बनाते रहूँगा, अब मैंने इसको क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।